ఇప్పుడు ఢిల్లీలో కేంద్ర వైద్య ఆరోగ్య శాఖ కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతున్నారు, లైవ్ చూద్దాం. యోగా ఎట్ హోమ్ ఉస్కే లియే భీ ఉన్కీ సరాహనా కీ హై. మాన్య ప్రధానమంత్రి జీ నే యే భీ సాథ్ మే కహా హై కి కోవిడ్ కే ఇలాజ్ కే లియే కహీ జో దావే ఆతే హై ఉస్కే లియే ఆయుష్ మంత్రాలయ ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఐసీఎంఆర్ సే సీఎస్ఐఆర్ సే ఔర్ ఆయుష్ కే జో సైంటిస్ట్ హై ఉన్సే మిల్తే హువే ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ రిసర్చ్ కే సాథ్ పబ్లిక్ కో జాగరూకతా లేకే ఆయే. ఇస్కే సాథ్ హీ हमारे इस ऑनगोइंग एफर्ट्स में माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेश अनुसार 10 एम्पावर्ड ग्रुप आज बनाए गए हैं. उन एम्पावर्ड ग्रुप के द्वारा जो अब तक कार्य हम हर लेवल पर करते आ रहे हैं, उसके साथ ही देश के जो अन्य सचिव हैं, अन्य सेक्रेटरी रैंक के सीनियर ऑफिसर्स हैं, उनको भी इस कार्य में पहले भी वो इन्वॉल्व थे, बट एक फोकस्ड वे में कैसे वो हम सबको गाइडेंस प्रोवाइड कर सकें, कैसे हम आइडेंटिफाइड चैलेंजेस पर काम कर सकें, ऐसे 10 एम्पावर्ड ग्रुप बनाए हैं. जब मैं आपकी दृष्टि में लाना चाहूंगा, उसके फोकस एरियाज हैं कि कैसे हम मेडिकल इमरजेंसी मैनेजमेंट पर एडिशनल फोकस लाएं, इसके साथ ही हम आइसोलेशन बेड्स, हॉस्पिटल और क्वारंटाइन फैसिलिटीज को कैसे फर्दर अपग्रेड करें, हम कैसे इसेंशियल मेडिकल इक्विपमेंट और सप्लाईज, वेंटिलेटर्स, पीपीज को कैसे बढ़ा सकें, साथ ही हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स और कैपेसिटी बिल्डिंग जो हमारा हेल्थ स्टाफ है उसको कैसे अपग्रेड करें कि ताकि हम कोविड के चैलेंज से निकल सकें, और साथ ही अगर कोई पब्लिक ग्रीवेंसेज और सजेशंस हो उनको इनकॉर्पोरेट करते हुए कैसे हमारा जो एक्शन है फील्ड लेवल पर उसको हम फर्दर अपग्रेड कर सकें. इसके साथ ही जैसे कि आप सबकी नॉलेज में भी है कि भारतीय रेल पूरे देश में इस समय आवश्यक वस्तुओं की अवेलेबिलिटी इंश्योर करने के लिए यथक प्रयास कर रही है. अब तक 65% जो वैगन गई हैं वो इसेंशियल सप्लाई से रिलेटेड गई हैं. पिछले 5 दिनों में लगभग 1.25 लाख वैगन जो इसेंशियल कॉमोडिटीज को ट्रांसपोर्ट कर रही है, जैसे कि फूड ग्रेन्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, शुगर, सॉल्ट, कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा. मैं आप सबसे आखिर में माननीय प्रधानमंत्री जी के वर्ड्स को इको करते हुए फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जैसे कि उन्होंने कहा है कि लॉकडाउन का ये फैसला अभी हमें कठोर लग सकता है, लेकिन वह हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए और हमारे देश की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है. धन्यवाद. गृह मंत्रालय के प्रवक्ता. जैसा कि मेरे कलीग ने बताया, केंद्र सरकार निरंतर लॉकडाउन के स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू कर रही है. कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरीज और डीजीपीज के साथ स्थिति का जायजा लेने के लिए कल शाम और आज सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस पर डिटेल्ड मीटिंग्स की. बाय एंड लार्ज लॉकडाउन गाइडलाइंस का सभी स्टेट्स और यूटीज में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है. एसेंशियल सप्लाईज भी मेंटेन हो रही हैं. स्थिति को 24/7 मॉनिटर किया जा रहा है. जहां पर समस्याएं आ रही हैं वहां पर हमारे सारे कंट्रोल रूम के ऑफिसर्स मिलकर उपयुक्त कदम उठा रहे हैं. परंतु जैसा आप सबको पता है, देश के कुछ भागों में माइग्रेंट वर्कर्स का मूवमेंट देखा गया है और इस कॉन्टेक्स्ट में स्टेट्स और यूटीज को स्ट्रिक्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि वे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट के बॉर्डर्स को इफेक्टिवली सील करें, शहरों के बीच में और हाईवेज पर लोगों का मूवमेंट ना हो, सिर्फ गुड्स का मूवमेंट हो. इसको मद्देनजर रखते हुए गृह मंत्रालय ने डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स निकाल लिए हैं. होम सेक्रेटरी जो चेयरमैन है नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी के, उन्होंने उन पावर्स को एक्सरसाइज करते हुए निर्देश दिया है सारे स्टेट्स और यूटीज को कि वे कुछ एक्शन है जिनको मैं अभी डिस्क्राइब करूंगी, उसके लिए जो डिप्टी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डिप्टी कमिश्नर्स हैं और जो सीनियर सुपरिटेंडेंट्स ऑफ पुलिस हैं और एसपीज हैं, उनको इस एक्शन को लेने के लिए बाध्य करें. सबसे पहले जो स्ट्रैंडेड लेबर है उसके लिए फूड और शेल्टर का प्रावधान हो. स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्ड फंड के अंतर्गत स्टेट्स और यूटीज को इसके लिए सफिशियंट फंड मिला हुआ है. जो लेबर चल चुकी है उसको उसके गंतव्य स्थान पर स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार मिनिमम 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाए. जितने एम्प्लॉयर्स हैं उनको निर्देश दिया जाए और ये लागू किया जाए कि क्लोज डाउन पीरियड के लिए वर्कर्स को उनके वर्क प्लेसेस पर ड्यू डेट पर बिना डिडक्शन के पूरी वेजेस दें. जो वर्कर्स रेंटेड अकोमोडेशन में रह रहे हैं उनके लैंडलॉर्ड ना उनसे 1 महीने का रेंट मांगेंगे और ना उनसे खाली कराएंगे.
डीएम्स और एसपीज को ये आदेश इम्प्लीमेंट करने के लिए पर्सनली रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाएगा और हमारी आशा है कि इन सब मेजर्स के साथ हम ये लॉकडाउन को इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर सकेंगे जिससे कि कोविड के स्प्रेड को रोक सके। रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आईसीएमआर, आज तक हम लोगों ने तकरीबन 35,000 यानी 34,931 टेस्ट किए हैं। आज भी अगर कल की फिगर देखें तो हम लोगों की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो आईसीएमआर नेटवर्क में है वो 30% ही है। अभी इस वक्त हमने थोड़े से लैब और बढ़ाए हैं, 113 लैब को लैब फंक्शनिंग हो चुके हैं और 47 प्राइवेट लैब्स को हमने अप्रूवल दिया है। विच फिगर? ऑलमोस्ट 35,000 टेस्ट, 30% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन, 113 आईसीएमआर नेटवर्क के लैब्स जो हैं वो फंक्शनल है और 47 प्राइवेट लैब्स उनको अप्रूवल दिया गया है। धन्यवाद। सबसे पहले मैं ऑनलाइन क्वेश्चन ले लेता हूँ। कैन द हेल्थ मिनिस्ट्री प्लीज क्लैरिफाई अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस विल ₹50 lakh इंश्योरेंस कवरेज बेनिफिट विल बी फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स एक्सीडेंटल कवरेज एंड हु आर द बेनिफिशियरी फॉर हु आर द एंटाइटल्ड पर्सन फॉर दिस 50 lakh इंश्योरेंस। देखिए, जैसे कि ये स्कीम अनाउंस की गई है, इस स्कीम के लिए न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी के साथ मिलकर डिटेल्स इसकी वर्कआउट की जा रही हैं। इसके ब्रॉडर कॉन्टूर्स इस तरह से हैं कि अगर कोई भी एक्सीडेंटल लॉस ऑफ लाइफ होती है आइदर फॉर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स इंक्लूडिंग कम्युनिटी हेल्थ वर्कर जो या तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में रहे हैं या केयर में रहे हैं COVID-19 पेशेंट के या उससे रिस्क है उनका इम्पैक्ट होने का, तो उसके लिए स्कीम लागू होगी। इसके साथ ही इससे पहले भी एक प्रश्न आया था कुछ फोरम्स में कि ये जैसे हमने बताया था कि ये स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स और उनके स्टाफ के लिए लागू होने के साथ साथ इसका जो एक और हम जो डिसीजन हुआ है कि साथ ही प्राइवेट हॉस्पिटल का स्टाफ या कोई रिटायर्ड या कोई वॉलंटियर या कोई लोकल अर्बन बॉडी का कोई एम्प्लॉई जो हेल्थ केयर सेक्टर की फंक्शनिंग के लिए रिक्विजिशन किया जाएगा, इस स्कीम का लाभ उन लोगों को भी मिलेगा। लेकिन इसके ब्रॉडर कॉन्टूर्स इन टर्म्स ऑफ माइक्रो डिटेल्स अभी न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी वर्कआउट करके जल्द ही लागू किए जाएंगे। 156। हाय सर, मैं अशोक हूँ एएनआई से। जितने पॉजिटिव केसेस हैं हमारे पास उसमें से कोई डेटा हमारे पास है कि कितने लोग वेंटिलेटर पे हैं इस वक्त और उनकी स्थिति क्या है? देखिए, ये सारा डेटा स्टेट लेवल पर हम उनके साथ मॉनिटर कर रहे हैं। कुछ केसेस जो हैं, जैसे कि मैंने आपको इससे पहले बताया है कि या तो हाई रिस्क केसेस, और हाई रिस्क केसेस के दो पैरामीटर्स हैं कि एक तो एज एज ए क्राइटेरिया, दूसरा कोमॉर्बिडिटी एज ए क्राइटेरिया और तीसरा समटाइम्स कॉन्टैक्ट हिस्ट्री एज ए क्राइटेरिया। उनमें कुछ केसेस जो हैं जो सीरियस पाए जाते हैं उनको हम मॉनिटर करते हैं। मैं आपसे स्पेसिफिकली ये फिगर नहीं शेयर कर पा रहा हूँ क्योंकि इस टाइम मेरे पास इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, हम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। 17। For the migrant workers, I mean any of you, are we putting in place a provision where we can test them also, because since they are already on the move and we don't know, maybe some of them might be infected. So apart from food and shelter, will there be a possibility of screening them also for disease possibility? And one question for Mr. Ganga Ketkar, it's about that hydroxy HCQ treatment protocol, which is meant for a select people, you said, I mean nursing staff and as well as those who are caregivers of lab positive cases. So is it part of some trial? Are we doing a trial? Can we call it a trial? Or is it, because you are monitoring these people, it's a small section, you said. Migrations ke liye maine ek question online add kar deta hu sath mein. Jo mazdoor wapas apne ghar ja rahe hain, un rajya sarkaron ko inke liye kya koi vishesh guidelines jari ki gayi hain ya phir wo seedhe apne ghar ja sakte hain? देखिए, हेल्थ के इशू में मैं आपको बता सकता हूँ। हेल्थ के लिए जैसे कि हमारी गाइडलाइंस थी, जो हमारे इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हमारे देश में आते थे तो एयरपोर्ट पर गाइडलाइन थी कि आने के बाद उनका रिस्क प्रोफाइलिंग किया जाएगा। हेल्थ रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पर अगर ज़रूरत होगी तो उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन किया जाएगा गवर्नमेंट फैसिलिटी में,
और अगर हमें लगता है कि हेल्थ रिस्क प्रोफाइल में वो हाई रिस्क में नहीं आते हैं तो उनको सूटेबल एडवाइस दी जाएगी कि वो होम क्वारंटाइन करें आने वाले 14 दिन के लिए। इस तरह की डायरेक्शन ऑलरेडी स्टेट्स को दी जा चुकी है। 62 हेलो, एक जानकारी चाहिए थी कि जो आपने कहा कि पिछले 24 घंटे में 6 लोगों की डेथ हुई है कोरोना की वजह से, इनका एज ग्रुप क्या रहा है, एज क्या रही है और इनको क्या दिक्कतें रही हैं, क्या कोरोना पॉजिटिव ही एक वजह रही है या और भी कुछ दिक्कतें रही हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको इससे पहले कई बार बताया है कि मोस्ट ऑफ द केसेस जहां हमारी डेथ रिपोर्ट हो रही है, ऑल दीज केसेस इसमें कोमॉर्बिडिटी हैज प्लेड ए वेरी मेजर रोल, और उसमें भी डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कार्डियक हिस्ट्री और कुछ केसेस में इवन किडनी रिलेटेड इश्यूज के कारण हमने डेथ रिपोर्टिंग पाई है। और इसी तरह से मैं आपको, ये डिटेल मेरे पास है, मैं आपको बाद में आराम से दे सकता हूं। नंबर 9, माय क्वेश्चन इज टू मिस्टर अग्रवाल। मिस्टर अग्रवाल, यस्टरडे न्यूज एजेंसी डिड अ स्टोरी कोटिंग डॉक्यूमेंट ऑफ इन्वेस्ट इंडिया, यस, मार्च 27 इंटरनल डॉक्यूमेंट ऑफ इन्वेस्ट इंडिया सेइंग द अवेलेबिलिटी ऑफ मास्क्स इन इंडिया एट द मोमेंट इज 9.1 मिलियन अगेंस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ 38 मिलियन एंड द अवेलेबिलिटी ऑफ पीपीई इज 0.8 मिलियन अगेंस्ट द रिक्वायरमेंट ऑफ 6.2 मिलियन। Do you deny these figures or you have no knowledge of them? Madam, there are two things. One is you are talking about figures quoted by some organization called Invest India, which is again a government organization. They would have done their analysis, but they would not have taken into account all the PPs available either at state level or even in the central government buffer stock. So those figures may not be 100% completed. Second issue is with respect to the requirement. Now, as I keep mentioning all the time, that this requirement is function of our graded response. So the requirement which we internally had always thought of 1 month earlier might not be the requirement today. And Government of India's effective understanding has been that anticipate and plan in advance. So based on that only, we have already been bringing to notice at all point of time that we have actually been upgrading our response, and we are now accordingly planning that we keep on increasing both number of isolated beds available, and for these isolation beds as well as the ICU beds, sufficient infrastructure and logistics to be made available. 107. One more question. Yeah, please. Just one more. Just you can one. Take turn second time, but let others ask the question, please. Sir, मेरा सवाल भी इसी से related है कि PPE की condition क्या है? डॉक्टरों की शिकायत है कि उनके पास ये PPE कम है, उनकी जान को खतरा है, तो उनकी अवेलेबिलिटी कितनी है? दूसरा यह है कि क्या यह एयरबॉर्न डिजीज है, इस तरह कोई साक्ष्य है? देखिए, पीपीज के बारे में जैसे मैंने हमेशा आपको बताया है, पीपीज जब शुरू में हमने इसको एनालाइज किया, इवन अर्ली जनवरी में हमने एनालाइज किया, तो पीपीज जो थे इम्पोर्टेड क्लॉथ के बनते थे और इंडिया में उसकी अवेलेबिलिटी काफी कम थी। उसको ही ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पर काफी सीरीज ऑफ एफर्ट्स हुए हैं, और उन एफर्ट्स के तहत ही मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स और उन्होंने सारे के सारे जितने भी हमारे इंडिया में मैन्युफैक्चरर्स थे उनको इन्वॉल्व करते हुए सीरीज ऑफ मीटिंग्स की, उसके बाद टेक्निकल एक्सपर्ट से डिस्कस किया, WHO की गाइडलाइंस को समझा और इस वायरस के बिहेवियर और इस वायरस से रिक्वायर्ड प्रोटेक्शन को डिटेल में लेते हुए हमने पीपीज की गाइडलाइंस को सूटेबली अमेंड किया। और अमेंड करने के बाद हमने इसको दो पार्ट में अपने एफर्ट्स को किया, एक तो कि हम इंडिया में जो क्लॉथ अवेलेबल है उसको रिक्वायर्ड टेस्टिंग कराएं, टेस्टिंग कराकर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को प्रमोट करें, और जैसे मैं अब आपसे बात कर रहा हूं, करीब 10 प्लस मैन्युफैक्चरर इंडिया में इसके लिए आइडेंटिफाई करके मैच्योर हो चुके हैं, उनके क्लॉथ भी पास हो गया और उन्होंने प्रोडक्शन शुरू भी कर दिया है। इसके साथ ही एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स की टेस्टिंग वगैरह हम कोऑर्डिनेट कर रहे हैं ताकि हम और इसको ऑगमेंट कर सकें। साथ ही हमने इसके पैरेलल एफर्ट के रूप में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ मिलते हुए विदेशों में जहां पर भी ये पीपीज अवेलेबल है उनको भी हम इम्पोर्ट करने का कार्य शुरू कर रहे हैं। 51. मैं एक और एडिशनल पॉइंट आप सबकी दृष्टि में लाना चाहूंगा। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज हमारे देश में एक लॉकडाउन की स्थिति है। उस लॉकडाउन की स्थिति में बिहेवियरल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये एक नया प्रोसेस है जिससे हमारे देश के नागरिकों को मिलकर अफर्ट करना पड़ रहा है। तो उस केस में अगर कोई भी ऐसा इशू, बिहेवियरल टेंशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, कोई डाउट,
कोई डिप्रेशन टाइप के इश्यूज होते हैं तो उसके सपोर्ट के लिए, जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे कहा था कि हमारा जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ बैंगलोर, वो बाकी सारे देश के और इंस्टीट्यूट से मिलते हुए इसको भी प्रमोट करने के लिए, इसके भी सूटेबल गाइडेंस के लिए प्रयत्न कर रहा है। और उसके तहत ही अब निमहांस ने एक टोल फ्री नंबर भी इंट्रोड्यूस किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपके थ्रू अगर आप उस नंबर को पॉपुलराइज कर सकें। वह नंबर है 080, आई रिपीट, इट इज 080-4611-4611-0007। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है और आपके थ्रू सब लोगों से, जनता से रिक्वेस्ट है कि हम सब लोग मिलकर इस बीमारी से हमें निकलना है, इस प्रॉब्लम से हमें निकलना है। और एक तरफ हम कैपेसिटी बिल्डिंग की बात करें, दूसरी तरफ हम किसी भी टाइप का बिहेवियरल इश्यूज भी या कोई और जिसे कहते हैं कि एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज भी अगर हमारी दृष्टि में कोई आए तो सरकार आपके साथ है। और निमहांस और निमहांस के साथ साथ हमारे देश के जो इंस्टीट्यूट इस सेक्टर से डील कर रहे हैं, दे आर ऑल गेटिंग इक्विप्ड टू प्रोवाइड द रिक्वायर्ड सपोर्ट टू द कम्युनिटी। मैम मैम आपसे सवाल है कि जो लोग जा रहे हैं, लेबर्स चल रहे हैं, तो लॉकडाउन कहा गया था कि जो जहां है वहीं रुक जाए, ये लोग चल पड़े बॉर्डर तक पहुंच गए, कहां गलती हुई? क्या आप लोग नीचे कम्युनिकेट नहीं कर पाए, या इन लोगों को जो जाने का ये पैसेज जो है वो खुद आप लोगों की तरफ से दिया गया, यहां तक आज जो स्थिति हुई है, कौन जिम्मेदार? हर स्टेट और यूटी में अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं, एंड अ नंबर ऑफ फैक्टर्स कुड हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू दिस मूवमेंट। बट जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया और आज भी बता रही हूँ कि हमारा फोकस इसी पे रहा है कि जो जहाँ है वहीं रहे। उसके लिए हमने स्टेट्स को कल, जैसे मैंने आप सबके साथ शेयर किया था, ये कहा था कि जो हम मेजर्स ले रहे हैं उनको, चाहे रिलीफ शेल्टर्स देने के लिए, चाहे उनको फूड देने के लिए, या उनके लिए फूड ऑर्गेनाइज करने के लिए, या टू इंश्योर कि उनके लिए फाइनेंशियल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, फूड ग्रेन्स अवेलेबल हैं, इन सब चीज़ों के लिए अवेयरनेस जेनरेशन करें। स्टेट्स और यूटीज इसमें लगी हुई हैं, पर कभी कभी समस्या में उनको चैलेंजेस आती हैं, और इसके लिए हमने बार बार उनको ये एडवाइस दी थी कि वे अवेयरनेस जनरेशन पर ध्यान दें। और आज डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंतर्गत जो ऑर्डर निकला है उसमें इस कार्य के लिए डीएम्स और एसपीस को पर्सनली रिस्पॉन्सिबल भी किया गया है। 99 माय क्वेश्चन इज द फर्स्ट वन टू मिस श्रीवास्तव, द सेकंड वन टू मिस्टर लवगरवाल। आई वांट टू आस्क यू, डिड द गवर्नमेंट फैक्टर इन that this is going to be a problem once a lockdown is announced? Was there any sort of anticipation of a problem of this nature concerning the migrants? And also, what if they take rural roads? What if they take, you know, roads which are not then sealed? If they take other routes, how are you going to stop them in that case? Because you've spoken about sealing of borders, but not everything can be sealed. Basically, as I mentioned, it has to be a multi-pronged approach. On one hand, you have to generate awareness. On the other hand, you have to also enforce these measures with the best possible, in the best possible way that you can do. And that is why this matter has been reviewed again and again, and each state and UT is doing an extensive exercise right up to its field level to get the message across. And all the measures that we have announced are geared towards this objective. Was there any anticipation of this problem arising once the lockdown was announced? Did the government talk about it? As soon as the message came forward that there are people who have apprehensions, the matter is being reviewed constantly. Mr. Agarwal, yes, let me just add a small point. Kindly appreciate, we are all dealing with an unprecedented situation. You know, any situation in earlier times, if it is flood or cyclone, it has affected part of the country or part of the world. This time we are dealing with a situation which has affected whole world as well as, you know, across the country. So this is a challenging time, we understand, and we actually through you look support of everyone in this process in terms of managing the situation. We know it is a difficult time. We look forward for support of everyone in managing the situation. एक ऑनलाइन क्वेश्चन है, क्या नोएडा और उड़ीसा में उपलब्ध वर्ल्ड क्लास की टेस्टिंग मशीन से जांच शुरू हो गई है, और अगर हो गई है तो कितनी जांच हर रोज हो रही है? नहीं,
वहाँ मशीन्स हैं लेकिन उसको इस्तेमाल करने के लिए जो किट्स चाहिए वो कंपनी के ही लगते हैं जिसकी वो मशीन है, उनके किट अभी आना है, उसमें थोड़े से डिलेज हैं, वो आने के बाद में वो शुरू हो जाएगी। 14 प्रवन सर आपसे एक सवाल है कि अबॉट दावा कर रही है कि 5 मिनट के अंदर ऐसा टेस्ट किट है जिससे पता चल जाएगा कि कोरोना है या नहीं, कितनी सच्चाई है ICMR को इसके बारे में कुछ? नहीं नहीं, सच्चाई तो होगी ही होगी, उसमें कोई शक नहीं है, वो तो किट उन्होंने FDA ने अभी ही उसको अप्रूवल दिया है, अपने यहाँ वो किट अभी वो मार्केट नहीं कर रहे हैं। वो अगर कहते हैं 5 मिनट में टेस्ट होती है तो होती होगी 5 मिनट में, लेकिन वो एंटीबॉडी टेस्ट होते हैं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है। 13 लोग इस बात को कह रहे हैं कि भाई जो पेशेंट्स की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, हालांकि हिंदुस्तान में कम बढ़ रही है, तो क्या माना जाए कि टेस्ट किट्स जो हैं जब ज्यादा आएंगी तो मोर एंड मोर टेस्ट आप कंडक्ट करेंगे तब आपको एक्चुअल फिगर मिलेगी, पहला पार्ट। दूसरा पार्ट, क्या ये माना जाए कि अभी जिस लेवल पर भारत है अभी उसने पीक नहीं देखा है या यही पीक है जो हम लोग देख रहे हैं इस वक्त? पहला पार्ट जो है मेरे को याद दिलाना पड़ेगा, सेकंड पार्ट है शायद भूल जाऊंगा, मैं नोटबुक नहीं लेके आया। पहला पार्ट जो आप बोल रहे हैं, टेस्ट की कमी की वजह से ये संख्या कम है क्या? टेस्ट की कमी किट्स की वजह से ये संख्या कम है ऐसे मैं मानूंगा नहीं, क्योंकि आज के तौर पे जैसा मैंने बोला कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सारे देश भर में फैल चुका है, मुझे एग्जैक्ट 112 या 111 लैब्स 113 लैब्स आज फंक्शनिंग है और 30% हमारी कैपेसिटी इसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं। प्राइवेट लैब्स भी हमने जिनके बड़े बड़े नेटवर्क्स हैं जिनके आधार पे आज आमतौर पे टेस्टिंग होता है वो सारे देश में, वो बड़े प्राइवेट लैब्स भी इस प्राइवेट नेटवर्क में हैं। तो हम जो भी टेस्ट ऑफर कर रहे हैं उसमें कोई कमी लगती नहीं, लेकिन एक चीज़ हमको याद रखना है कि हर इंसान जो वो इंडिकेशन के अंदर बैठता हो कि जिसको टेस्ट की ज़रूरी है उसकी अगर टेस्ट हो गई तो हमको वो ज़्यादा पता चलेगा, लेकिन कवरेज जो है कवरेज के हिसाब से हम 30% पे हैं और जो जिसको अगर अपटेक करना है